तो एक कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का मामला। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के घर सपा अध्यक्ष पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और अखिलेश यादव ने परिवार को ढांढस बंधाया है। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का यह मामला। आपको लगा बता दें कि पीड़ित परिवार के घर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की है। परिवार को ढांढस उन्होंने बंधाया है। परिवार की मांग है कि सीएम योगी उनसे मिले, उनसे बात करें। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और ढांढस बंधाया। बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता दें कि कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर की मौत का ये मामला है। कुछ पुलिस वालों की तरफ से मारपीट में बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत हो गई थी। गंभीर चोटें, पोस्टमार्टम में इसका खुलासा हुआ है कि गंभीर चोटें आई हैं उनके सिर पर, उनके हाथ पर, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और इस मुद्दे पर यह बड़ा अपडेट आपके सामने। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवार से मिलने पहुंचे हैं, परिवार को ढांढस बंधाया। और ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। और राहुल भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दो अभी कुछ देर पहले अखिलेश सपा मुखिया वो जो है पीड़ित परिवार से जो कानपुर का प्रॉपर्टी डीलर था उनकी पुलिस की बलात्कार गोरखपुर में जो है हत्या की गई थी, उसी मामले में जो है अखिलेश यादव इस वक्त कानपुर के जो पीड़ित परिवार है उससे पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो मीडिया से रूबरू होंगे। इस टाइम वो जो है मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित के परिजनों से। मोनिका, बिल्कुल राहुल, ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जनतंत्र टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। और ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की गाड़ी और साथ ही वहां पर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद। ऐसे में ये भी माना जा रहा है राहुल के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। क्या समय बताया जा रहा है जब मुलाकात होगी और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, इस मामले को लेकर राजनीति सियासत जो है लगातार जो है गर्मा गर्मी पकड़ते जा रही है और भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज कानपुर का दौरा है, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कल तक यह कहना था कि अगर मुख्यमंत्री जो है हमसे मुलाकात नहीं करते तो वो जो है अपने प्रॉपर्टी डीलर से उनका जो है दाह संस्कार नहीं कराएंगे, लेकिन हालांकि दाह संस्कार कल शाम को 4 बजे, कल आज सुबह 4 बजे पूरी में हो गया है, लेकिन पीड़ित की लगातार चलिए शुक्रिया आपका राहुल, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।